नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर करके सामने आया था वो है बिहार में रोजगार और बेरोजगारी को लेकर के। लगातार तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो मुद्दा उठाते रहे हैं और ये मुद्दा बिहार की राजनीति से भारत की राजनीति को कहें तो देश के पटल पे चला गया और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी अब धीरे धीरे नजर आता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार युवा ट्विटर पर मोदी रोजगार दो का नाम से ट्रेंड करा रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान जो भी मुद्दे तेजस्वी यादव ने उठाए थे अब वो युवाओं को पसंद आ रहा है, क्योंकि वो जरूरी भी है। रोजगार अगर युवाओं के पास नहीं रहेगा तो आखिर वो क्या करेंगे। इसको लेकर के बिहार की राजनीति गर्माती रही है, लेकिन एक फिर से इसकी गुंज बिहार विधानसभा के सदन में देखने को मिली है और ये गुंज तेजस्वी यादव ने उठाई है। फिर से जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हर मुद्दे को लेकर के घेरते रहे हैं, इस बार भी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष नीतीश कुमार को रोजगार के मुद्दे पर घेरा है और क्या कुछ कहा है ये एक वीडियो के जरिए उन्होंने बताया है और साथ ही क्या कुछ ट्वीट किया है। मैं आपको सबसे पहले वो ट्वीट पढ़ करके सुनाता हूं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा है, काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती, नौकरी के नाम पर एक काट के हांडी केंद्र सरकार ने चढ़ाई थी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष वाली, तब से नौकरी के नाम पर वे पकौड़ा तलना ही सुझा गए। अब दूसरी 20 लाख वाली हांडी बिहार सरकार ने चढ़ाई है, जिसके बाद से नौकरी इनके शब्द को सही गायब हो गया है। ये क्या पूरा मामला है आपको वीडियो देखने के बाद पूरा पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार बिहार सरकार भर्तियां नहीं कर रही है, कई ऐसे भर्तियां जिसमें भर्ती 4 साल बाद हो रही है और उसमें एग्जाम 2-3 साल लेट बाद हो रहा है। SSC का नाम सबसे पहले उभर करके सामने आ रहा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 4 साल पहले फॉर्म फिल कराया गया था लेकिन 4 साल बाद भी अभी तक उनकी भर्तियां नहीं ली गई है, एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इन सब तमाम जो मुद्दे हैं बिहार में बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार सदन में अभी मुद्दे उठा रहे हैं। तो पूरा वीडियो में देखिए कि तेजस्वी यादव ने सदन में क्या कुछ कहा है। लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की, टोटल जो है एक योजना है वित्तीय वर्ष 2020-21 का, हम बता दें ये योजना है उद्यमी योजना है महोदय, ये उद्योग विभाग का है योजना, युवाओं से रोजगार से संबंधित है। ये लोग कहते हैं कि 20 लाख रोजगार देंगे, व्यवस्था कराएंगे। अब आप देखिए, योजना हेतु प्राप्त आवेदन 45,621, चयनित लाभुकों की संख्या 4,800, वास्तविक लाभुकों की संख्या 3,600। ध्यान से सब लोग सुने, 45,631 लोगों ने आवेदन किया, उसमें से जो चयनित किए गए पहले वो 4,000, 45,000 में से मात्र 4,000 आप चयनित करते हैं, फिर आप घटा करके फिर चयनित करते हैं जिसको वास्तविक में चयन किया गया, जिसका लाभुकों को संख्या है वो केवल 3,641 है। आप जो है इनको रोजगार नहीं दे सकते, आप घटाते जा रहे हैं और आपने टोटल वितरित राशि का खर्च हुआ मात्र 93 करोड़, यानी 3,641 लोगों पर आप लोगों ने खर्च किया मात्र 93 करोड़ रुपए महोदय। और बताइए इस हिसाब से आप कैसे 20 लाख को रोजगार दीजिएगा, और पूरा इंडस्ट्री का बजट ही आप समझिए 1,285 करोड़ रुपया, मात्र 1,285 करोड़ रुपया, और आप 20 लाख लोगों को कैसे रोजगार दे सकते हैं, इसका तो जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।